क्या ऊपर से टपकेगा, मगर आज मैं देखती हूँ कि जितना परेशान हमारे जम्मू के लोग हैं, मुझे नहीं लगता है कि इतनी परेशानी कहीं भी इस वक्त है जितनी यहाँ के लोगों को है। क्योंकि 370 हटाने के बाद जो मैं देखती हूँ कि जो बीजेपी की एक ही मंशा है, किस तरह जम्मू कश्मीर की जमीन को, यहाँ के रोजगार को, यहाँ की नौकरियों को, यहाँ तक कि यहाँ की बाजरी निकालने के लिए, पत्थर निकालने के लिए भी बाहर से लोग लाए हैं। मैंने भी नकार के कहा, लिहाजा यहाँ के जो गरीब लोग हैं, यहाँ के जो आम लोग हैं, उनको उठाना पड़ता है कि आज बाजरी का ट्रक 21,000 रुपए में मिलता है आपको। मिलना करो, इसको दे। लोगों को मिलती थी, लद्दाख के लोगों को मिलती थी, आज उसमें हमारे लोगों का चांस ही नहीं मिलता। मैंने सुना इस तरह से मैं देख रही हूँ कि परेशान है, हमारा कारोबार ठप है, पहले लॉकडाउन की वजह से, उसके बाद कोविड की वजह से। इसी तरह इंडस्ट्रीज का हाल बहुत बुरा है, हमने सुना था कि बड़ी इंडस्ट्री सेट होगी, मगर इंडस्ट्री जो ऑलरेडी हमारे पास है, क्या हम उनको पूरी बिजली दे पाते हैं? क्योंकि जो बिजली हमारी, हमारे जो रिसोर्सेज, हमारी जो ज़मीन है, हर चीज़ को ये दाव पे नीलामी करना चाहते हैं। पानी तो ऑलरेडी ले चुके थे, बिजली तो हमारे यहाँ तो बिजली होती नहीं है, गर्मियों में जम्मू में तकलीफ़ होती है, सर्दियों में कश्मीर में, मगर हमारी बिजली से हमारे मुल्क के कारखाने चलते हैं। मैं देखती हूँ कि यहाँ ये सवाल जो है 370 कोई मुसलमानों या कश्मीरियों का सवाल नहीं है, ये महाराजा हरि सिंह ने यहाँ के खासकर डोगरा कल्चर को, डोगरा आइडेंटिटी को बचाने के लिए ये 370 का जो है आर्टिकल उन्होंने रखा था। उसके बाद जब हमने मुल्क के साथ इलहाब किया, तो हमने शर्तों पे इलहाब किया, जिसमें बड़ी शर्त थी कि हमारी एक स्पेशल स्टेटस रहेगा, जिसकी वजह से बाहर का जो आदमी है हमारी ज़मीन, क्योंकि हमारे पास बहुत कम ज़मीन है, आदमी जम्मू कश्मीर की ज़मीन बहुत कम है, बाहर से लोग नहीं आएंगे, हमारी नौकरियां हमारे बच्चों के लिए होंगी, क्योंकि हमारे पास यहाँ और वसाइल नहीं है नौकरियों, हमारे पास प्राइवेटाइजेशन में इतना रोज़गार नहीं मिलता है। मगर मैं देखती हूँ कि यहाँ जो 370 के बाद जो अंधेरा छा गया है, उस अंधेरे ने तो अपनी ज़िंदगी गुजार दी, मगर जो हमारी नई जनरेशन है, जो हमारे बच्चे हैं, जो उनके बच्चे हैं, वो कहाँ जाएंगे? कल को ये ना देखना पड़े कि वो जो डोगरा होता था वो कौन होता था, उसकी ज़मीन कहाँ थी, उसका घर कहाँ था। अभी तक तो जम्मू कश्मीर में हमारे किसी किसान ने खुदकुशी नहीं की, हमारा कोई इंसान ऐसा नहीं है जिसके सर पे छत नहीं होती, क्योंकि ये बार बार कहते थे 370 की वजह से जम्मू कश्मीर पिछड़ा है। अगर हम इंडाइसेस देखें जम्मू कश्मीर के बाकी मुल्क के मुकाबले में, तो मैंने पहले कहा कि हमारे यहाँ कभी भी फार्मर्स खुदकुशी नहीं करते हैं, पूरे मुल्क में खुदकुशी होती है, पूरे मुल्क के अंदर लोग सड़कों पे सोते हैं, रेलवे स्टेशन पे सोते हैं, बस अड्डों पे सोते हैं, मगर हमारे जम्मू कश्मीर में सबके सर पे छत है। इसका ये मतलब है कि जो 370 जो महाराजा हरि सिंह ने यहाँ मिल के शेख साहब के साथ उस वक्त कंडीशन रखी थी, उसकी वजह से हम लोगों को एक काउच, सुरक्षा काउच मिलता था, यानी एक प्रोटेक्शन मिलती थी, जिसको इन्होंने तितर बितर कर दिया। उन्होंने खाली 370 में हटाया, उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर का जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसको डिसरिगार्ड किया, उसकी धज्जियाँ उड़ाई थी। क्योंकि महबूबा मुफ्ती जो झंडे की बात करती है, चाहे वो मुल्क का झंडा हो, चाहे जम्मू कश्मीर का झंडा हो, वो कोई आसमान से नहीं आया था, वो कोई चीन से नहीं आया था, वो हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया था, और उस झंडे को इन्होंने हमसे छीन लिया, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन को हमसे छीन लिया, और हमारे हकूक हमसे छीन लिए। एक गरीब आदमी जाके बाजरी निकालता था, पत्थर निकालता था, अगर आज इसकी ये कि बाहर वाले लोगों को उनके कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं, कश्मीर में रेत निकालनी होती है तो बाहर वाला कॉन्ट्रैक्ट आता है, आहिस्ता आहिस्ता जो भी कुछ है उसको ये बाहर जो है इन्होंने ऑक्शन कर दिया है, सेल लगा दी है सारे जम्मू कश्मीर की। हमारे पास हमारे सिख भाई आए, उन्होंने हमसे शिकायत की कि अगर तमाम जबानों को इन्होंने यहाँ इंक्लूड किया तो पंजाबी को क्यों छोड़ दिया? ये तो बहुत बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, उनके साथ ये क्यों इतना, ये इस किस्म पंजाबी जबान के साथ ये डिस्क्रिमिनेशन क्यों है? तो ऐसा लगता है कि कश्मीरी पंडित हमारे, ये जहाँ भी हमें बोलते हैं कश्मीर में, बोलते हैं 370 की बात मत करो, पब्लिक सेफ्टी एक्ट के अंदर बंद करेंगे,
जम्मू में कहते हैं 370 की बात मत करो जी, ये तो बड़ा एंटी नेशनल गल है। मगर जब ये खुद ये लोग हर इलेक्शन में, बिहार के इलेक्शन में, अरे बाबा उनको दो वक्त की रोटी तो दो, उनको वहाँ पर घर पे छत तो दो, किसान को पानी तो दो, किसान को फर्टिलाइजर तो दो। आप तो किसान से उसकी ज़मीन भी छीनना चाहते हैं, उनको बोलते हैं कश्मीर जाओ, 370 हमने हटाया, मगर वहाँ वो बिका नहीं। वहाँ उन्होंने बहुत कोशिश की थी 370 बेचने की। अब एक गाय से कितना दूध निकालेंगे आप, एक 370 को कितना धोएंगे आप? वहाँ तो कुछ नहीं हुआ। हमारे कश्मीरी पंडित भाई जो इतने सालों से इंतज़ार कर रहे हैं, जिनको मुफ्ती साहब ने अपने वक्त में उनके लिए वहाँ ट्रांसिट अकोमोडेशन बनाई थी, उसके बाद थोड़ा सा जो है डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के वक्त में कुछ हुआ, उसके बाद तो कुछ नहीं हुआ। ये तो सारी दुनिया को बोलते हैं जाओ जम्मू कश्मीर इज ऑन सेल, गो एंड बाय लैंड। व्हाट अबाउट दीज कश्मीरी पंडित्स जो यहाँ कैंप्स में इस वक्त गर्मी में जो इंतज़ार कर रहे थे कि बीजेपी की हुकूमत आएगी, बीजेपी को मेजॉरिटी मिलेगी और बीजेपी हमें कश्मीर में बसाएगी? व्हाट अबाउट दैट? दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। उनकी बात तो नहीं हो रही है कि उनको कैसे बसाएं, बल्कि माहौल ख़राब किया जा रहा है कि हम जैसे लोग जो वहाँ लोग रहते हैं उनका रहना भी मुश्किल हो गया है। इतनी मिलिटेंसी बढ़ गई है इनके वक्त में। ये कहते थे मिलिटेंसी खत्म हो गई है, आज एक एक गांव से 10-10, 15-15 लड़के एक साथ चले जाते हैं, क्योंकि आपने जो एक आवाज़ थी तमाम आवाज़ों को बंद कर दिया है। आपने लोगों के पास कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा है, बीच का रास्ता ही नहीं छोड़ा है। लड़का सोचता है या तो मुझे जेल जाना है या बंदूक उठानी है, तो अच्छा है मैं बंदूक उठाऊँ तो मैं मर जाऊँ, वो ज़्यादा बेहतर है जेल जाने से।